हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो दिस वाज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, इसमें मुझे निकालना है x की वैल्यू। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो स्क्वायर रूट वगैरह दे रखा है, तो ऑब्वियस सा थॉट क्या आएगा हमारा, स्क्वायरिंग। तो क्या किया हमने, स्क्वायर किया दोनों साइड। तो आई स्क्वायरिंग, तो इधर से आएगा मेरा इसका स्क्वायर विच इज एक्स प्लस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज एक्स माइनस वन माइनस टू ए बी। तो माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, एंड हियर इट विल बी फोर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो मैंने टर्म्स को क्लब किया। तो देखो क्या क्या क्लब हो रहा है मेरे, ये एक्स माइनस वन है, ये माइनस वन से वन क्लब, ये टू एक्स माइनस टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन। फिर ये टू एक्स को मैं उस साइड लेके गया, माइनस टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। ये आया हमारा इक्वेशन। अब क्या किया, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोबारा स्क्वायरिंग किया। तो आई एम स्क्वायरिंग इट अगेन, तो ये जाएगा फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर विच विल बी फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स। तो इधर से ओपन किया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स। ठीक है, ये फोर एक्स स्क्वायर से ये फोर एक्स स्क्वायर गया, तो यू आर लेफ्ट आउट विद फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू फाइव बाय फोर। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने मुझे आंसर दिया एक्स इज इक्वल टू फाइव बाय फोर, बट मैंने जैसे तुम लोगों को इनइक्वालिटी पढ़ते वक्त बताया था कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना तो एक्स्ट्रा रूट्स जनरेट होते हैं। क्या बोला मैंने, कि जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं किसी भी इक्वेशन का तो एक्स्ट्रा रूट्स जनरेट होते हैं, इसलिए जो भी तुम्हारा आंसर आया, जो भी तुम्हारा आंसर आया फाइनली, दैट यू हैव टू वेरीफाई विद द ओरिजिनल इक्वेशन, दिस यू हैव टू वेरीफाई विद द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसमें रख के देख लेते हैं, अगर ये सेटिस्फाई किया तब तो ठीक है, नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। समझ में आया क्या बोला, एक बार और मैंने बोला ये जो आंसर आया हमारा वो बीच में स्क्वायर करने पर आया है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर स्क्वायर करते हैं ना तो एक्स्ट्रा रूट जनरेट होते हैं। समझ में आया, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल, मैंने बोला कि लेट से एक्स इज इक्वल टू टू है, फिर मैंने स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू एंड माइनस टू। तो देखो एक्स इज इक्वल टू टू था लेकिन माइनस टू भी एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज हमने यहां से यहां क्या किया, स्क्वायर किया। तो वही चीज इधर है, स्क्वायर करने पर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो फाइनल आंसर आता है हमारा उसको हम एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखते हैं। तो चलो रखते हैं हम इसको, तो व्हेन आई विल सब्स्टिट्यूट हियर 5 बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 5 बाय 4, पहले मैं एलएचएस देख रहा हूं, माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाय 4 माइनस 1, तो ये हो गया 9 बाय 4, अंडर रूट ऑफ 9 बाय 4 इज 3 बाय 2। ठीक है, 3 बाय 2 माइनस 5 माइनस 1 1 बाय 4 और उसका अंडर रूट हो जाएगा 1 बाय 2, तो दिस विल बी 3 माइनस 1 2 बाय 2 व्हिच इज 1। तो ये तो मेरा हो गया एलएचएस। अब मैं आरएचएस देख लेता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, तो 5 बाय 4 इसमें रखूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स 5 बाय 4 माइनस 1 विच विल बी अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 विच विल बी रूट 4 एंड दैट विल बी 2। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा रूट आ गया हमारा स्क्वायर करने पे। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस। नो सॉल्यूशन मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस मोस्टली बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने 5 बाय 4 जवाब दिया था, जिसने भी रिप्लाई दिया था, बट द आंसर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन था हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाँ ये भी एक ठीक क्वेश्चन है, हमें निकालना है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और हमें दे रखा है फॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। ठीक है ना, ये इसमें रख के हमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। तो लेट्स से इसको मैंने एफ ऑफ एक्स बोल दिया, तो मुझे क्या निकालना है, एक्स की एक्स के 2 प्लस रूट 3 रखना है इसमें। तो देखो अगर तुमने ब्लाइंडली डायरेक्टली इसमें ऐसे रख दिया तो बहुत हो तो तब भी जाएगा, बट इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 4 ये वैसे ही इरेशनल नंबर है, इसकी पावर 4 करेंगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा, फिर एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर तुमने डायरेक्टली इसमें ये रखा। तो हम थोड़ा क्वाड्रेटिक का हेल्प लेंगे, कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये। क्या किया इसमें, 2 इस साइड लेके आए, तो आई कैन राइट दिस इज एक्स माइनस 2 और ये हो गया मेरा रूट 3, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। क्लियर है, अब मैंने इसे स्क्वायर किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3।
फिर मेरा आया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब मैं ये फैक्ट यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल को इसमें फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा, सो दैट ये जीरो है तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या किया, इसकी मदद से अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सब्सटीट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू दिस 2 प्लस रूट 3 इन दिस इक्वेशन। क्लियर है? तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, पहले ऐसे लिखा, ये भी तुम्हें पहले बताया मैंने जो मैं भी मेथड कर रहा हूं। देखो अब क्या चाहिए मुझे, x की पावर 4 चाहिए। ध्यान से सुनना एक एक बात, x की पावर 4 चाहिए तो मैं इसको किस 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 से मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर आएगा x स्क्वायर, तो ये हो गया x की पावर 4, मतलब ये टर्म एडजस्ट हो गया हमारा। अब इधर से क्या आया, माइनस फोर एक्स क्यूब, लेकिन मुझे माइनस एट एक्स क्यूब चाहिए, तो किसकी कमी है, माइनस फोर एक्स क्यूब की कमी है, तो माइनस फोर एक्स क्यूब लिख दिया। देखो ध्यान से, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस एट एक्स क्यूब, तो ये टर्म भी एडजस्ट हो गया। अब आपने एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, बट मुझे 18 एक्स स्क्वायर चाहिए तो कितने की कमी है, 17 एक्स स्क्वायर, तो लिख दिया प्लस 17 एक्स स्क्वायर, तो ये वाला टर्म भी एडजस्ट हो गया, माइनस 8 एक्स इधर लिख लिया प्लस 2। अब जो चीज ऊपर लिखी है वही ये लिखी है, इक्विवेलेंट है, ओपन करके देखो, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स क्यूब, फिर x square plus 17 x square 18 x square minus 8x plus 2, तो वही चीज लिखी हमने, बस टर्म्स को एडजस्ट किया है। बट अब मुझे पता है कि ये चीज जीरो है, तो देखो यही चीज जीरो हो गई, तो मेरा 4 डिग्री पॉलीनोमियल किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री में। ऐसे रिड्यूस करते जाना है, समझ में आया बच्चों? तो अब ये पार्ट बचा मेरा, अब इसको काटते हैं, तो अगेन आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये लिख लिया, फिर माइनस 4x क्यूब चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x से, तो इधर से माइनस फोर एक्स क्यूब आ गया, ये टर्म एडजस्ट हो गया, फिर इधर से क्या आएगा, 16 एक्स स्क्वायर बट 17 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो किसकी कमी है, एक्स स्क्वायर की, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म एडजस्ट हो गया, फिर माइनस फोर एक्स इंटू वन, माइनस फोर एक्स आया, मुझे माइनस एट एक्स चाहिए, तो किसकी कमी है, माइनस फोर एक्स की, प्लस 2 बचा हुआ है। एक बार ओपन करके देख लो, यही आएगा क्योंकि हम इसी से तो लिखे हैं। देखो माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर 17 एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एट एक्स प्लस 2। बट अगेन अब क्या करूंगा, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा मेरा, द रीजन इज ये लिखा है। अब मेरा एक्स क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया, अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन प्लस वन। अब देखो अगेन ये पार्ट क्या है, जीरो है, ये खत्म, तो ये लेफ्ट आउट विथ वन, तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया विद द हेल्प ऑफ दैट क्वाड्रेटिक। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना, चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड लेस देन 3, तो ये तो मैंने वैसे हमने बहुत कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस के लिए दिया था, ठीक है ना। इस बहुत लोगों ने सेंड किया मुझे इसका आंसर और सबका करेक्ट ऑलमोस्ट, मतलब जिसने भी सेंड किया, तो देख लेते हैं हम, और किसी ने कुछ कुछ माइन्यूट माइन्यूट सी मिस्टेक की है इनइक्वालिटीज में, तो चलेगा उतना, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करो तो वो भी हमारी मिस्टेक्स रिड्यूस हो जाएंगी। तो हमें क्या निकालना है, इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, तो रूट्स आर लेस देन 3, रूट्स आर लेस देन 3, तो लेस देन 3 इसका मतलब 3 इज, दिस इंप्लाइज 3 इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, 3 इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो हमारा सिनेरियो क्या होगा, वैसे दिख रहा है पैराबोला अपवर्ड ही है, तो दिस इज द सिनेरियो, ये 3 होगा, तो इसके लिए हमें कौन सा केस हो गया, ये केस ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, थर्ड केस, और केस थर्ड हो गया तो उसमें हमारे 3 कंडीशंस हैं, क्या क्या है, एक तो a इनटू f ऑफ k व्हिच इज हियर इज 3 इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड वर्टेक्स दैट इज माइनस b बाय 2a दिस इज लेस देन 3, तो इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करके उन तीनों का इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलो करते हैं इसको एक-एक, तो a into f of 3, तो a क्या है, x square का कोएफिशिएंट व्हिच इज 1, तो 1 into f of 3, 3 में रख देंगे तो 3 3 9 माइनस 3 2 6 और सी हो जाएगा 6a प्लस a square प्लस a माइनस 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो a square और माइनस 6a प्लस a माइनस 5a और 9 माइनस 3 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, देख लो एक बार, अब इसका ऑब्जर्वेशन से रूट्स आ रहा है क्लियरली, 2 एंड 3 आई थिंक, नहीं 2 और 3 रूट्स है, देखो सम ऑफ रूट इज 5 प्रोडक्ट इज 6, तो 2 और 3 लगा दिया हमने, 2 एंड 3,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन जी जो चाहिए तो ये वाला इंटरवल हो गया। सो ये तो हमारा आया इसके करस्पॉन्डिंग। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए कर लेते हैं, तो डी ग्रेटर देन जीरो करते हैं जरा। नेक्स्ट इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डी क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वेयर बी इज माइनस टू ए, तो फोर ए स्क्वायर, ये क्या कर रहा हूं मैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर रहा हूं, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इंटू सी, ए इज वन और सी हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है चलो, जैसे पहले फोर से फोर, ये फोर गायब कर दिया मतलब कॉमन लेके जीरो के पास भेज दिया। नाउ वी आर लेफ्ट आउट विथ, देखो क्या आ रहा है इससे, देखो और अच्छा हो गया सॉल्यूशन, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक का फैक्टर ही खत्म, तो माइनस ए प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या है ए लेस देन इक्वल टू थ्री, तो मैं इधर ही मार्क कर लेता हूं ए लेस देन इक्वल टू थ्री क्योंकि मुझे फाइनल इंटरसेक्शन लेना है। अब ये हो गया, अब थर्ड कंडीशन इज वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस ऑफ बी इज माइनस टू ए डिवाइड बाई टू ए, ए हियर इज वन, माइनस बी बाय टू होता है ना, तो माइनस ऑफ दिस बाय टू इंटू वन, दिस शुड बी लेस देन, अपना क्या था थ्री इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो थ्री वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा, तो ये थ्री आया, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, टू से टू कैंसिल, तो इधर से आया ए इज लेस देन थ्री, तो फाइनली हमारा ये तो थ्री था ही, एक और आ गया थ्री लेस देन थ्री। अब देखो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, देखो इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली इतना पार्ट आएगा, दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट, तो फाइनल आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू थ्री, इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारा माइनस इंफिनिटी से टू, या फिर ऐसे लिख दो और इस फॉर्म में लिख दो ए इज लेस देन टू, क्लियर हुआ। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ही बोलूंगा इसको। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे ने मुझे आर डी शर्मा के कुछ डाउट पूछे थे, तो मैं उनको एक बार दो तीन क्वेश्चन है वो पहले डिस्कस कर लेता हूं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, क्वेश्चन भी लिख दूंगा, हालांकि तुम लोग पूरा नहीं लिखूंगा, जस्ट डाटा लिखूंगा मैं, ठीक है, दैट यू हैव टू वेरीफाई फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 66 फ्रॉम आर डी शर्मा, क्वेश्चन नंबर 66 फ्रॉम आर डी शर्मा, इफ कॉस अल्फा इज रूट ऑफ 25x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो, इसमें बोला था इसका एक रूट कॉस अल्फा है, then we have to find, और इसने एक और चीज दे रखी x is less than 0 greater than minus 1, then we have to find sine of 2 alpha, ठीक है ना, this question is asked by some of you, तो इसको आप डिस्कस करते हैं। तो मैंने बोला cos alpha इसका रूट है और मुझे निकालना है sine 2 alpha, तो थोड़ा trigonometry यूज होगा, trigonometry में हमें sine 2 alpha का formula आना चाहिए basically, तो I hope बहुत से बच्चों को पता होगा, this is basically 2, नहीं पता तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही है इसके बाद, ठीक है ना, जिसको आता है वो देख सकता है सॉल्यूशन। तो देखो साइन अल्फा इज टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो मुझे साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकालना है बेसिकली। अब इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है उसने कि इसका एक रूट कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा इसको, तो सेटिस्फाई करेगा तो मैं रख देता हूं उधर 25 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया इसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक निकाला मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, तो इससे क्या आएगा कॉस अल्फा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो या फिर इसको क्वाड्रेटिक मान के भी कर सकते हो, तो जैसे चाहो, तो मैं चलो लेट्स से एक काम करता हूं, मैं परफेक्ट स्क्वायर से कर रहा हूं, यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बट मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं, 5 cos alpha plus 1 by 2 इन दोनों टर्म्स को देख के इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में देखो ये आएगा 25 cos square alpha प्लस 2a भी करूंगा मैं, तो 2 into half 1, 1 into 5 cos alpha, 5 cos alpha, इधर से अब एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया प्लस 1 by 4, तो उसको माइनस कर देते हैं माइनस 1 by 4 और ऊपर माइनस 12 लिखा है, वो और ये चीज एग्जैक्टली सेम लिखी है, ठीक है। अब मैं इन दोनों टर्म को उधर लेके गया, तो 1 by 4 प्लस 12 दिस इज माई 5 cos alpha प्लस हाफ का स्क्वायर। नाउ 1 by 4 एलसीएम लिया तो क्या आएगा 1 प्लस 48 49 by 4 49 by 4 दिस इज इक्वल टू 5 cos alpha प्लस हाफ का स्क्वायर, तो इधर से मेरी क्या है 5 cos alpha प्लस हाफ इज इक्वल टू, जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो प्लस माइनस लगाते हैं, जैसे मैंने बोला x स्क्वायर अगर 4 के बराबर है तो x कितना होता है प्लस माइनस अंडर रूट 4 मतलब प्लस माइनस 2, तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, और 49 का अंडर रूट इज 7 और 4 का अंडर रूट इज 2, तो ये आया हमारा। फर्दर इसको देखो अभी इधर सॉल्व किया,
तो ये आया 5 cos अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारा प्लस आएगा, ठीक है ना, दिस इज प्लस, तो प्लस माइनस 7/2 और माइनस हाफ। तो पहले पॉजिटिव साइन लेके लिखता हूं मैं, देखो 5 cos अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, और ये 5 नीचे चला जाएगा तो cos अल्फा क्या आएगा 3/5। और एक बार नेगेटिव साइन लेके लिखता हूं, तो माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8, माइनस 8 बाय 2 इज माइनस 4, और 5 नीचे चला जाएगा तो माइनस 4/5, तो इधर से आया cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4/5, ठीक है, यहां तक आया हो, समझ में आया होगा, ठीक है। अब सुनना, अब हम ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करेंगे टू सिलेक्ट वन ऑफ दीज। उसने देखा x इज लाइन बिटवीन माइनस 1 टू 0, और x मेरा क्या था बेसिकली, cos x की जगह हमने cos अल्फा रखा था ना, तो इसका मतलब cos अल्फा नेगेटिव होना चाहिए माइनस 1 से 0 के बीच में, देयरफॉर आई विल रिजेक्ट दिस वन एंड आई विल सिलेक्ट दिस वन। क्लियर है, इस फैक्ट का यूज इसलिए होगा इन दोनों में से एक सिलेक्ट करने के लिए। अब हम आते हैं आगे, तो पहले वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा फास्ट डिस्कशन लेते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन हमें करने हैं। सुनना, cos अल्फा आ गया, अब हम 9 10 में पढ़ते हैं cos अल्फा से sin अल्फा कैसे निकालते हैं। हमें एक आइडेंटिटी पता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इधर से sin स्क्वायर अल्फा कितना आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा 16/25, तो ये आएगा 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, तो इधर से sin अल्फा आया प्लस माइनस 3/25, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, है ना। अच्छा अब क्या ले, दोनों लेना है क्या, तो देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन हमें इधर दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि cos अल्फा माइनस 4/5 के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू आती है साइन की। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin अल्फा, sin अल्फा हो जाएगा 3/25 into cos अल्फा इज माइनस 4/5, तो यू विल गेट 4 3 12 टू 24, तो माइनस 24/25, और एक बार sin अल्फा माइनस 3/5 है, दिस इज 5, ठीक है ना, तो 2 इंटू माइनस 3/5 इंटू माइनस 4/5, सो दिस विल बी 24/25, सो एक ऑप्शन में ये दिया है विच इज करेक्ट, आई होप समझ में आया होगा। तो बेसिकली थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा इसमें, ठीक है ना, और साइन टू अल्फा का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन, और अगर नहीं भी आता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम आगे अगला चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है वैसे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम आर डी शर्मा, तो देखो क्वेश्चन था, दैट क्वेश्चन वॉज क्वेश्चन नंबर 53, और मैं स्टेट वो लिख देता हूं, उसने लिखा है इफ B1 into B2, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट्स में भी ऐड कर लेना, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, देन एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, लिख लो इधर इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने रेफरेंस डाल दिया क्वेश्चन नंबर 66, देन एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दे रखी एक्स स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इज इक्वल टू 0 हैज डैश, और ऑप्शंस में है रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स वगैरह, ये सब ऑप्शन है, ठीक है, क्या बोला है, एक ये कंडीशन दे दी, और फिर बोला है कि इन दोनों में से एक इक्वेशन के रूट्स, कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स क्या होना चाहिए, रियल, इमेजिनरी, या फिर इस टाइप से दे रखा है, ठीक है ना, ऑप्शन है, दैट यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 66। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया, अब देखना इस टाइप का क्वेश्चन वैसे हमने किया है क्लास नोट में, थोड़ा सा अलग है वो, मैंने इसका D1 लिखा डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या आएगा B1 स्क्वायर माइनस 4C1, और इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखा दैट इज D2, इसको हो गया B2 स्क्वायर माइनस 4C2, अब दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा मेरा D1 प्लस D2, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस यू शुड ऐड इन नोट्स, ठीक है ना, क्योंकि बाद में भी काम आएगा तुम्हारा रिवीजन के टाइम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 4C1 माइनस 4C2। अब चलो अब मुझे इस फैक्ट का यूज करना है, तो देखो C1 प्लस C2 टाइप की चीज दिख रही है, अगर मैं 4 कॉमन लू तो मैंने क्या लिखा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स C1 प्लस C2, फर्दर इसको लिखा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अच्छा अब ये कितना होगा माइनस 4C1C2, अगर मैं इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 4C1C2 आ जाएगा, माइनस 4 टाइम्स C1 प्लस C2 इस साइड आएगा, तो इधर क्या आएगा माइनस 2 B1B2, तो बेसिकली दिस इज माइनस 2 B1B2। अब लकीली क्या हुआ हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका B1 माइनस B2 का, या फिर B2 माइनस B1, एक ही बात है, दोनों कोई भी लिख लो, तो मैंने लिखा लेट्स से B1 माइनस B2 का परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज व्हाट D1 प्लस D2। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने बताया कि स्क्वायर ऑफ एनीथिंग क्या होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनना ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब या तो 0 है ये या फिर पॉजिटिव है,
तो मैंने बोला दो का सम, दो क्वांटिटीज का सम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो दोनों नेगेटिव तो नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव तो नेगेटिव ही आएगा। तो इससे क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव या फिर ये पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब तुम्हें याद आ गया होगा मैंने क्लास नोट में इस टाइप का क्वेश्चन दिया था d1 plus d2, उधर थोड़ी सी अलग थी कंडीशन, उधर क्या था माइनस टू सी वन ए टू ए सी और प्लस टू ए सी कैंसिल हो रहे थे, तो वो केवल इतना आ रहा था, इतना क्वांटिटी आ रहा था क्लास नोट के एग्जाम्पल में, तो ये उससे थोड़ा सा और बेटर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, ठीक है ना। अभी हमारा ये एक्स्ट्रा आ गया तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया। तो इन तीनों पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है, कम से कम एक डी तो पॉजिटिव है ना, और एक डी पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, कम से कम एक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे ही, ठीक है। तो ऑप्शन इज एटलीस्ट वन ऑफ दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है। सो मार्क इट स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड कॉपी इन द नोट्स, ठीक है ना, इसको कॉपी करना है नोट्स में। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत से कम बच्चों ने मुझे सेंड किया था, मैंने व्हाट्सएप भी किया था तुम लोगों को कि जो भी तुम्हारे आरडी शर्मा के डाउट्स हैं एंड इफ यू वांट वीडियो सॉल्यूशन ऑन दैट यू शुड सेंड इट, बट फिर वही नो रिस्पांस फ्रॉम, या तो तुम लोगों ने कर लिए सारे क्वेश्चन और या फिर नहीं किए, दो ही बात हो सकती है, ठीक है। नहीं किए तो बहुत गलत बात है, कर लिए और आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कर लिए नहीं आए और तो नहीं पूछा तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम आरडी शर्मा, और वो क्वेश्चन है, लेट मी राइट डाउन, हाँ क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। क्या इफ टेन अल्फा एंड टेन बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस पीएक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, और लिखा है p is not equal to zero, condition दे रखी है, तो फिर मुझे options बताने which of the options is correct, तो उसमें हमारा जो answer है that is a, तो मैं उसी को verify करवाऊंगा, ठीक है ना, sin square alpha plus beta plus p sin alpha plus beta cos alpha plus beta plus q cos square alpha plus beta is equal to q, actually this is the correct one, so we will verify this only, actually in such question we have to go by option only, मतलब पहले option one देखेंगे correct आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो दूसरे पे move करेंगे, अगर single correct है, multiple correct है तो सभी को option check करने पड़ेंगे। तो चलो start करते हैं, तो सबसे पहला information क्या लिखें हम, sum of root and product of root, तो देखो sum of root क्या आएगा, tan alpha plus tan of beta, this will be minus b by a, तो minus p, product of root tan alpha into tan beta, that will be q, इस information का use करके मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक ये formula भी बहुत से बच्चों को आता होगा, नहीं आता है तो अगेन वही सेम चीज, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वैसे इतना पढ़ते हैं टेंथ में, ठीक है ना, tan of alpha plus beta is tan alpha plus tan beta, और एक illustration मैंने class note में भी लिया था, उधर भी ये चीज ये वाला formula use किया था, ठीक है ना, एक इक्वेशन थी उसके tan alpha और tan beta रूट से, तो मैंने ये यूज किया था, आई थिंक 10-30 और 10-15 डिग्री, हाँ यही रूट्स थे, एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें जहां जो रूट्स थे हमारे वो 10-30 और 10-15 डिग्री था, फिर मैंने क्या लिखा था tan of 30 plus 15 that is 1 10-45 is equal to 10-30 plus 10-15 upon 1 minus 10-13 10-15, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही कैटेगरी का है। अब हो गया 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b, ठीक है, अब इधर प्लग कर दी वैल्यूज, तो ये हो गया tan alpha plus tan beta की जगह क्या लिखा minus p, तो minus p upon 1 minus 10a 10b, तो 1 minus q, तो इसको ऐसे लिख लिया p upon q minus 1, दिस इज व्हाट माय tan of alpha plus beta, ठीक है। अब मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, तो इसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना इतने पार्ट को रब कर रहा हूं, अब देखो क्या किया थोड़ा स्मार्ट तरीका, अब मैं चाहूंगा क्या कि सारे टर्म्स टेन में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट मैं टेन अल्फा की वैल्यू इसको इधर रख दूं, तो क्या किया ऐसा करने के लिए, देखना दिस इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप, और नॉट ओनली फॉर हियर, आगे भी चैप्टर में काम आएगा, ये इंटीग्रेशन वगैरह में बहुत सी जगह काम आएगा, ये जब टू डिग्री टर्म्स होते हैं ना साइन और कॉस में, तो हमारा प्रोसीजर क्या होता है, हमारा जो टारगेट है आई हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ टेन, टेन कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू टेक कॉस स्क्वायर कॉमन, समझ जाओगे कैसे क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैंने कहा अगर मान लो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया मैंने, सो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा प्लस पी टाइम्स
साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस क्यू। ठीक है, देखो वो और ये एक ही चीज लिखी है, मल्टीप्लाई करके देख लो, अंदर ले जाओ कॉस स्क्वायर को, तो ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये कॉस स्क्वायर जाएगा तो एक कॉस से कॉस कैंसिल, एक एक कॉस और एक साइन, तो एक साइन और एक कॉस आएगा अंदर, और क्यू टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना ध्यान से। अब क्या किया, ये तो मेरा 10 में कन्वर्ट हो गया, मैं चाहता था कि 10 में कन्वर्ट हो जाए, तो देखो तो ये तो मैं एक मिनट के लिए ऐसे एज इट इज लिख रहा हूं, इसको बाद में सब्स्टिट्यूट करता हूं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा, 10 स्क्वायर अल्फा मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस वन का स्क्वायर प्लस पी टाइम्स, ये 10 अल्फा हो गया, तो 10 अल्फा इज पी अपॉन क्यू माइनस वन प्लस क्यू। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इधर लिख लेता हूं, पी अपॉन क्यू माइनस वन, दिस इज वॉट माई 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? अब मेरे को इधर बस कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, वो तो हम ट्राइंगल लॉ से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, आई होप सबको पता होगा ये भी, ये अगर ये अल्फा प्लस बीटा है तो इसके हिसाब से दिस इज पी, दिस इज क्यू माइनस वन, तो ये क्या होता हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज हाइपरटेन्यूज, दिस इज बेस, सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपरटेन्यूज इन राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे निकालते 9/10 में हम। तो इसके हिसाब से हमारा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, तो q माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वन का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा विल बी क्यू माइनस वन का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब हम इधर वैल्यू प्लग कर देते हैं उसकी, तो देखो जब इधर रखूंगा तो क्या आएगा, क्यू माइनस वन का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वन का स्क्वायर। अब इधर टर्म्स करते हैं, इधर क्या कि एलसीएम ले लिया, तो देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, ये तो पी स्क्वायर हो गया प्लस पी स्क्वायर इंटू, इधर एलसीएम लूंगा तो क्यू माइनस वन आएगा ऊपर, तो क्यू माइनस वन प्लस क्यू टाइम्स, इधर क्या आ जाएगा, क्यू माइनस वन का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारा, देखो डिनोमिनेटर में ध्यान से क्यू माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब ये देखो क्यू माइनस वन का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी स्क्वायर आएगा, तो ये पी स्क्वायर और ये माइनस वन कैंसिल। चलो अब आगे लिख रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, तुम लोग कॉपी करते जाना, ठीक है ना। तो ये हो गया पी स्क्वायर क्यू और इधर से प्लस क्यू टाइम्स क्यू माइनस वन का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वन का स्क्वायर। अब दिख रहा है क्लियरली, ऊपर से क्यू कॉमन ले लो, तो ऊपर से क्यू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वन का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वन का स्क्वायर। सो ये इससे कैंसिल, या लेफ्ट आउट विद क्यू, वही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्वॉल्व है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, और ये पैटर्न याद रखना, जब टू डिग्री टर्म्स हो ना, टू डिग्री मतलब साइन के ऊपर भी टू है, इधर साइन के ऊपर वन है, कॉस के ऊपर वन है, तो वन प्लस वन टू डिग्री, ये भी टू डिग्री है। सो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू टेक कॉस कॉमन, सो दैट अंदर जो चीज है वो पूरा टेन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, एंड दिस फैक्ट वी विल यूज इन इंटीग्रेशन ऑल्सो इन कैलकुलस, ठीक है ना, इन क्लास 12th। तो इसको याद रखना, और भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, हम ट्रिग्नोमेट्री में लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब हम और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, इज एन आइडेंटिटी इन एक्स।
ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है हालांकि, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया है आइडेंटिटी, बस मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन करा देता हूं सो दैट रिवाइज हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी होता है, तो मैंने क्या बताया था कि मैंने बोला कि लेट से ऐसा लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी। क्या बताया था इसका आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड ठीक है हर एक एक्स के लिए ट्रू है ये। फिर उसमें कंडीशन क्या होती थी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बेसिकली ऐसे लिखा है ना। आइडेंटिटी कब होगा जब ये ऐसा लिखा हो तभी ये सारे एक्स के लिए ट्रू होगा ठीक है। तो दैट मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कॉन्स्टेंट पार्ट शुड बी जीरो। तो कर देते हैं इधर जीरो, तो इसको जीरो करोगे ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और बी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो ठीक है ना। मुझे निकालना सी की वैल्यू फॉर विच दिस इज एन आइडेंटिटी। तो यहां से पहले मेरी क्या वैल्यू आई एक मिनट क्वेश्चन देख लू एक बार मैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस थ्री बी थ्री ए प्लस बी एंड बी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो करेक्ट है क्वेश्चन। तो करेक्ट है देखते हैं हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। चलो तो इधर से ए की वैल्यू कितनी आई देखो इधर दिख रहा है सम ऑफ रूट इज थ्री प्रोडक्ट इज टू, तो ए इज इक्वल टू या तो वन होगा या टू होगा ठीक है। अब मैं इधर रख रहा हूं जब मैंने बोला इफ ए इज इक्वल टू वन, अब दो केसेस आए इफ ए इज इक्वल टू वन तब मेरी ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हुई तब बी की वैल्यू कितनी आई देखो बी की वैल्यू कितनी आएगी जब ए वन होगा तो वन माइनस थ्री माइनस टू और तो बी आ जाएगा टू। फिर मैंने बोला इफ ए इज इक्वल टू टू तब मेरा बी कितना आएगा तो देखो इधर टू टू जा एक मिनट हाँ टू टू जा फोर फोर माइनस सिक्स माइनस टू तो उधर जाके बी दिखा दी तो दोनों में बी की वैल्यू टू आ रही है। मुझे क्या पूछा था वैल्यू ऑफ सी इस इक्वेशन से सी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर तो फाइनली सी कितना आया टू का स्क्वायर विच इज फोर तो वैल्यू ऑफ सी इज फोर फॉर विच दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स क्लियर है ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स की पावर फोर माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एट्टी वन इक्वल टू जीरो आर पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ बी इज then the value of b is dash ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया तो क्या करें हम तो इसने बोला है बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखा है कि रूट्स आर पॉजिटिव और हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कुछ तो ट्रिकी पार्ट हो रहा होगा तभी हम निकाल पाएंगे b की वैल्यू नहीं तो ऐसे केवल देने पे कि रूट्स आर पॉजिटिव मतलब बहुत टफ हो जाए। टफ क्या मतलब बी और सी हम ऐसे यूनिक नहीं बोल सकते मतलब इसमें कुछ ट्रिकी पार्ट लग रहा होगा 100%। तो ट्रिकी पार्ट समझने के लिए क्या किया लेट से इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा तो यू विल सी अल्फा सम ऑफ रूट कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या आएगा हमारा कैसे करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करते हैं बताया था तुम सम ऑफ रूट तो कितना आएगा 12। चलो दिस इज माय इक्वेशन वन। अब मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा ये क्या आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा गामा डेल्टा 81 ये लास्ट वाला कोफिशिएंट ठीक है। अब मैंने लिखा एक मिनट अब इसमें क्या दे रखा है रूट्स आर पॉजिटिव। अब मैंने बताया था तुमको थोड़ा सा अगर पहले भी पता हो तो ठीक है नहीं पता हो तो अब वाला इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एम जी एम। हमें पता है क्या है कि ए एम जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला इक्वालिटी कब आती है इक्वालिटी विल होल्ड ये याद रख लेना अभी के लिए बाकी हम इसको सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में देखेंगे। इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन नंबर्स आर इक्वल मतलब क्या है कि ए एम हमेशा जीएम से बड़ा होगा इक्वल टू भी हो सकता है वो कब होगा जिन नंबर्स पे हम ए एम जीएम लगा रहे हैं दे ऑल आर इक्वल ठीक है। तो अब देखना अब आया ट्रिकी पार्ट इसका। अब मैंने बोला ए एम निकालते हैं तो ए एम क्या होगा इन चारों का अल्फा मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग ए एम जीएम ऑन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा दीज आर द फोर पॉजिटिव नंबर्स तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डिवाइड बाय फोर दिस इज व्हाट ए एम
ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इसकी पावर 1/4। जैसे दो नंबर होते हैं ना, दो नंबर पे क्या लिखते हैं एम, अल्फा प्लस बीटा बाय टू, जीएम क्या लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा की पावर हाफ, ऐसा होता है। तीन नंबर के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा गामा की पावर 1/4। तो यू कैन सी सिमेट्री, ठीक है ना, अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। अब इधर रख दिया वैल्यू, तो यह आया 12/4 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या आया 81 का पावर 4, तो ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 81 की पावर 4, 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए एम जी एम के बराबर आ गया, और ए एम जी एम के बराबर कब आता है, इक्वालिटी का होल्ड करती है, व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल, दैट मींस दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा। समझ में आया, क्लियर है? अच्छा तो मैं अभी इसको रब कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी करो। देखना मैंने क्या बोला, अब चारों वैल्यू बराबर आ गई, बराबर आ गई तो उससे वैल्यू आ जाएगी रूट की, क्या आएगी देखो इधर रखो, तो अल्फा बीटा गामा सब डेल्टा 4 साथ चारों बराबर है, तो इसको लिख सकता हूं 4 अल्फा इज इक्वल टू 12, तो अल्फा इज इक्वल टू 3, तो मेरा क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 3, चारों रूट आ गए हमारे, ठीक है। या तो आप क्या करो, तुम दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, देखो तरीके क्या है कि एक तो अब इसके चारों रूट बराबर है, तो इस क्वाड्रेटिक जो 4 डिग्री पॉलीनोमियल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x-3 × x-3 × x-3, मतलब x-3 की पावर 4। फिर क्या करो, इसको ओपन करो और कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, मतलब इस साइड x2 का कोफिशिएंट क्या है, b आ रहा है, तो इधर भी जो आएगा उससे b की वैल्यू आ जाएगी, इधर x के कोफिशिएंट c है, इधर देख लो क्या आ रहा है, तो c की वैल्यू आ जाएगी। बट उससे भी बेटर तरीका, इतना भी ना करके हम डायरेक्टली, अब हमें पता है कि ये b की वैल्यू क्या होती है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, तो b इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, तो मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड सो ऑन। अच्छा अब इसमें टर्म्स कितने आते हैं, ये तुम्हें याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, मतलब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था यूजिंग पीएनसी, क्या बोला था कि चार में से दो चीज सिलेक्ट करना है, 4c2 नंबर ऑफ वेज इज 4c2, तो इसको कैलकुलेट करने का क्या बताया था, 4 × 2 = 4 − 2 विच इज 24/4, तो 6 आएगा ये, देख लेना। और उधर भी मैंने लिया था, चार रूट्स का भी एग्जांपल लिया था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, ऐसे 6 टर्म्स बनेंगे। अच्छा अब ये 3 है, ये 3 है, तो एक टर्म की वैल्यू कितनी है, 3 × 3 = 9, तो ऐसे 6 टर्म आ रहा है, तो 9 × 6, तो दिस विल 54, दिस इज द वे वन वे। और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c इज व्हाट, अब इधर क्या रखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, तो उधर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस, तो माइनस c इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा एंड सो ऑन, कितने टर्म आएंगे, 4c3, वो 4 होता है, तो ऐसे 4 टर्म्स, तो एक टर्म की वैल्यू कितनी है, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो आंसर इज 27 × 4, 100 × 108, दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस सी, तो सी हो गया माइनस ऑफ 108। तो देखा काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। चलो तो अब एक काम करता हूं, मैं लेक्चर तो यही एंड अप करता हूं, तुम लोगों को इस लेक्चर के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व दे देता हूं वक्त के, ठीक है ना, तो अगर उनमें कोई डाउट आए तो तुम मुझे आज ही पूछ लेना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट अभी भी तुम्हें लगता है कि आरडी शर्मा में मुझे कोई डाउट है एंड आई वांट वीडियो सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ पेपर एंड पेन एंड पेपर सॉल्यूशन, यू कैन आस्क मी, ठीक है ना, आई विल ऐड दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ऑल्दो हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन मैं डेली देते रहूंगा थोड़ा थोड़ा, जब तक तुम लोग और कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, ठीक है ना। और जैसा एज पर योर रिक्वेस्ट वी विल डू, मतलब जब तक तुम्हें अल्टीमेट टारगेट इज कि तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट जो सिंसियर है, जो सिंसियरली वर्क कर रहा है, फॉर दैट टीचर विल ऑल्सो बी हेल्पफुल, ठीक है ना। तो चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।